हेलो फ्रेंड्स, आज हम अफगानी सलवार की कटिंग सीखेंगे। तो इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, और जैसे कि बाकी जैसे अफगानी सलवार हम पहनते हैं तो उसकी आसन से खिंच पड़ती है ना, तो ये इसमें नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये फैब्रिक है और ये लैस दी हुई है, एक साइड में लैस दी हुई है। ये लैस हम इसके जो बॉटम में वो लगाएंगे, ठीक है। वैसे तो आजकल लैस का काफ़ी ट्रेंड है, मतलब अपने आप ही बनाना पड़ता है, लेकिन ये खुद से ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने बॉर्डर में यूज़ करना है। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए हमारा फैब्रिक है, ठीक है। ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, इसमें हमने सलवार की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेस वाला फैब्रिक है ना, इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें ऊपर से लगाना है, ठीक है। ये 4 साढ़े 4 इंच का है, पोंचा बन के तैयार होगा। तो अगर आप कम चाहते हैं तो एक जो लेस है छोटी वाली, उसको भी निकाल सकते हैं। अगर पूरा बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी ऐड कर लें, और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए आप कटिंग करें, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा ऐसे, और इस तरीके से हमारी जो बॉर्डर है वो दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को कट कर लिया, ठीक है। अब हमने जो हमारी सलवार की लेंथ है वो है 35 इंच की, ठीक है, और 5.5 इंच की हमारी जो सलवार की मोरी है। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो 4.5 इंच का हमारा लेस है ना, उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये 4.5 इंच की लेस है, इसको हम निकाल देंगे। तो 35 इंच में से 4.5 इंच निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 30.5 इंच, ठीक है, 30 30.5 इंच बचेगा। तो ये देखिए, 4.5 इंच हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। 35 इंच से 4.5 इंच निकालेंगे तो 30.5 इंच बचा हमारा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कटिंग करनी है, और 30.5 इंच से भी हमने 5 इंच निकाल देना है, क्योंकि ऊपर वाली साइड में भी हमारी 5 इंच की बेल्ट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो जो हमारी लेंथ बचेगी वो बचेगी हमारी 25 साढ़े 25 इंच, आप 26 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 25.5 इंच हमारी लेंथ बचेगी, ठीक है, क्योंकि 5 इंच की ऊपर बेल्ट लगेगी, 5.5 इंच की या 5 इंच की ऊपर बेल्ट लगेगी, क्योंकि बेल्ट की कटिंग हमने 8 इंच की करनी है। जब बेल्ट तैयार हो जाती है तो वो 5.5 इंच की रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे सब 26 इंच ही हम रख लेंगे, तो 26 में भी हमने आधा आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली मतलब ऊपर भी आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और नीचे भी आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे 27 इंच रखना है, ठीक है। तो अगर आपकी जो सलवार की लेंथ है 35 की बजाय 36 भी हो जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सलवार नीचे पोंचे वाली साइड से गिरती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये सलवार की जो लेंथ रखी है वो रखी है 27 इंच की, ठीक है। आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा नीचे वाली साइड में, और आधा इंच ऊपर जाएगा ऊपर वाली साइड में, ठीक है, जहाँ पे हमने चोने डालनी है। तो अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती है तो इस तरीके से आप नाप करके देख ले, यहाँ पे जो लेंथ में निशान लगाया है, और 4.5 इंच का बॉर्डर आप रख के देख लें, और यहाँ पे आपकी जो लेंथ आनी चाहिए, मतलब 36 इंच या 35 इंच, 35.5 इंच जो भी है आपकी लेंथ आनी चाहिए, इस तरीके से आनी चाहिए। ऊपर वाला भी आपने ऐड कर लेना है बेल्ट का, जो आपने 5 इंच की बेल्ट लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा 36 इंच तैयार हो रहा है, ऊपर भी मैंने ऐड कर लिया और नीचे भी ऐड कर लिया, 36 इंच हमारा तैयार हो रहा है, मतलब सलवार की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 27 इंच में मैंने मार्क लगाया है, ठीक है। अगर आप पूरा 35 इंच ही चाहते हैं तो आप 26 इंच पे मार्क लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 36 इंच की सलवार बिल्कुल रेडी करूँगी, 36 इंच की, मतलब आधा इंच कम भी हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 37 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कपड़ा कट नहीं करना है, इसको ऐसे ही कट लगा के हमने स्टिच कर देना है। बाकी जैसे सलवार हम कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से सलवार की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, इसका जो घेरा हमारा निकल रहा है ना पूरा एंड तक,
पोंचा निकाल के 27 इंच का घेरा निकल रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा ये एक, अगर एक कुंदा हम 27 इंच का निकाल लेंगे तो दूसरा कुंदा भी हमें 27 इंच का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतना कपड़ा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने 6.5 इंच का पोंचा लिया है जो फ्रंट साइड में होता है। तो 6.5 इंच का पोंचा रखने के बाद हमने यहाँ पे 10 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्मल पोंचा बन के रेडी होगा 5.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने जो पोंचा लिया है 6.5 इंच, 6.5 इंच में हमने 10 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 16 इंच। ठीक है, 16.5 इंच का हमने पोंचा तैयार मतलब लेना है। यहाँ पे गैदर्स वगैरह डलेंगी। तो अब हमने देखना है, यहाँ पे दूसरा कुंदा भी निकालेंगे, लेकिन हमने देखना है कि कपड़ा हमारा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये 10 इंच यहाँ पे लिया और 10 इंच हमने इस साइड में लेना है। ठीक है, पहले लेंथ ले लेंगे। लेंथ हम ऊपर से दूसरे कुंदे की निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये मैंने 27 इंच पे मार्क लगाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं 10 इंच यहाँ भी लूँगी। ठीक है, और ये 10 इंच और ये दूसरा वाला 10 इंच, यहाँ से इसको हमने ऐसे तिरछा मिला देना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे 27 इंच हमारा घेरा था ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम पूरा निकालेंगे ना, यहाँ पूरा 27 इंच निकालेंगे तो हमारा जो पोंचा है वो कम रह जाएगा। लेकिन पोंचा हमने कम नहीं करना है, गैदर से हमने कम नहीं डालनी है, थोड़ा सा हम घेरा कम कर देंगे। ठीक है, 4-5 इंच का घेरा हम कम कर देंगे। तो इस तरीके से हमने 10 इंच से 10 इंच को ऐसे मिला देना है। अब ऊपर देखिए, हमारा थोड़ा सा घेरा कम हो गया है और यहाँ पे हमने 10 इंच का आसन ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारा जो घेरा है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब ये ऐसे ही हमने यहाँ पे जो दूसरी साइड है वहाँ से भी हमने घेरा देख लेना है कितना है, जितना घेरा हमारा यहाँ पे निकला है। ठीक है, ये यहाँ पे देख लेते हैं कितना घेरा है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा घेरा है मतलब 22-23 इंच हमारा घेरा निकला है। तो यहाँ पे भी हमने इतना ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए घेरा रख लिया है। अब यहाँ से हमने आसन लेना है 10 इंच और इस तरीके से 10 इंच आसन को हमने ऐसे मिला देना है। तो ये हमारे दो कुंदे निकल गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। तो ये हमने कटिंग स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ 10 इंच तक हम इसकी कटिंग करेंगे, जहाँ पे हमने कुंदा और पोंचा दोनों इकट्ठे ही हैं, लेकिन पोंचे की हमने कटिंग नहीं करनी है। उसमें थोड़ा सा कट लगा के और वहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे, मतलब जैसे बाकी सलवार में स्टिचिंग करते हैं, पूरा कट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे एक कुंदा और पोंचा दोनों की साथ में ही कटिंग हो गई है। अब ये दूसरा कुंदा है, इसकी अलग से कटिंग करूँगी इस तरीके से, और ये कुंदा ही हमने अटैच करना है, बाकी दूसरा कुंदा हमारे पोंचे से अटैच है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ऊपर वाली साइड में भी जॉइंट कपड़े को कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अभी इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग भी बताऊंगी, जैसे बाकी सलवारों की स्टिचिंग करते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए, छोटा छोटा कट लगा दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं करी है पोंचे की, और यहीं कट से पकड़ के हमने इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ठीक है, तो अब जैसे बाकी सलवारों में हम 2.5 इंच छोड़ते थे, यहाँ पे हमने 10 इंच छोड़ा है। ठीक है, तो क्योंकि गैदर्स डालनी है इसलिए यहाँ पे हमने 10 इंच छोड़ा है। बाकी सलवार जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए सलवार की कटिंग हो गई है। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है, तो बेल्ट हमने 8 इंच की निकालनी है, जैसे हम बाकी सलवारों में निकालते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट मैंने 8 इंच की निकाल दी है। अब यहाँ पे हमने इसकी जो लंबाई ली है 24-25 इंच, आप जितना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि जितनी आपकी लंबाई है उससे आपने 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो बनके हमारी उतनी ही लंबाई तैयार हो जाएगी। जैसे 24 इंच की बेल्ट है तो आप 25 इंच ले लें, आधा आधा इंच सिलाई में जाने के बाद आपकी 24 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा कपड़ा बचा है। ठीक है, इसको हमने, ये हमारा जो स्टफ है ना यहाँ पे,
बहुत ही मतलब पतला है, तो यहाँ पे हमने कपड़ा लगाना है इस तरीके से नीचे वाली साइड में, तो थोड़ा सा स्टफ इसका अच्छा हो जाएगा, ठीक है, जो लेस वाला कपड़ा हमने लगाना है। अगर चाहे तो पेस्टिंग भी लगा लें, लेकिन पेस्टिंग आपकी जो लेस से दिखेगी तो आप कपड़ा ही लगा लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो सलवार की कटिंग हो जाती है। अब बाकी सलवार की स्टिचिंग हमने वैसे ही करनी है, लेकिन इसकी जो आपकी पोंचा जो अटैच करना वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी कैसे आपने इसको अटैच करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये सलवार पूरी बन के रेडी हो गई है, ठीक है। बाकी जैसे हम स्टिच करते हैं उसी तरीके से मैंने सारी सलवार स्टिच करी है, सिर्फ इसका पोंचा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कैसे आपने इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो अब इसकी मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने गैदर्स डालनी है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी वाली प्लेट नहीं डालनी है, यहाँ पे जैसे मोटा बखिया करके हमने धागा डालना है, ठीक है, तो उसको हम खींच करके फिर इसमें प्लेट्स डालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पोंचे में भी मैंने कपड़ा अटैच कर लिया है, तो दूसरे पोंचे में अभी हमने अटैच करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको बताती हूँ कैसे हमने इसमें गैदर्स डालनी है। तो इस तरीके से ये बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है मोटा बखिया करके। अब यहाँ पे एक एक धागे को हम खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमने प्लेट्स डालनी है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बड़ी वाली प्लेट नहीं डालेंगे, वो अच्छी नहीं लगती है इतनी ज़्यादा, तो यहाँ पे छोटी वाली प्लेट हम डाल करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी वाली प्लेट की सलवार भी मैंने बनाई हुई है, अगर वो आपने देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं कि वो प्लेट्स मैंने कैसे डाली हैं, लेकिन ये धागा खींच के प्लेट आप इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। अब जितना पहुंचा है आपका उतने में आपने प्लेट्स डालनी है, 1 इंच आपका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई में भी दबाव में लानी है, ठीक है। तो 1 इंच आपने ज़्यादा रखना है, जैसे 5.5 इंच का आपका पहुंचा है तो आप 6.5 इंच रख लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देखिए 6.5 इंच मैंने रखा है। तो अब यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो प्लेट्स तो हमारी पड़ गई हैं, अब ये जो बॉर्डर है इसके ऊपर हम रखेंगे, और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी इसकी स्टिचिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रख करके स्टिच करेंगे, तो बनने के बाद ये इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मशीन की तरफ हम आ गए हैं। अब हमने ये जो बॉर्डर है वो रखना है, बॉर्डर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही रखना है साइडों में, क्योंकि जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो अच्छे से इसका दबाव आ जाए, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए ऐसे इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए इतना सा कपड़ा मैंने ज़्यादा रखा है। अब यहाँ पे चोने सेट करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरीके से। बहुत ही अच्छी सलवार बनती है और लुक भी बहुत अच्छा आता है, जैसे आप नॉर्मल सलवारें सीते हैं उसी तरीके से होता है, लेकिन पोंचे में इसमें थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें और देखें, इसको पहन के देखें, ठीक है, कैसी लगती है, और स्टिच करके देखें। अगर आपको स्टिच नहीं करनी आती है तो अपने टेलर से स्टिच करवा लें, अगर खुद स्टिचिंग जानते हैं तो आप खुद भी इसको स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए पोंचा बना लिया है मैंने। अब यहाँ पे हम स्टिच इस टॉप स्टिच लगा देंगे, फिनिशिंग अच्छी हो जाए ताकि तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ये देखिए और टॉप स्टिच मैंने लगा दिया है यहाँ पे। अब इसकी हम फिटिंग कर देंगे, फिटिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक तो आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे, जितना पोंचा हमने रखना है उतना रखते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच हमने पोंचा रखना है, और इस तरीके से तिरछा इसको मिला देंगे, ठीक है। अगर हम कम रखते ना, जैसे जहाँ पे हमारी गैदर्स हैं वहीं से हम स्टार्ट करते,
लेस लगाना, तो यहाँ पे इस कॉर्नर में ये कपड़ा कम हो जाना था, ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा साइडों में थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा खींच के सिलाई लगाएंगे, अगर खींच के लगाएंगे तो आपकी सिलाइयाँ कभी भी नहीं टूटेंगी, ठीक है। अगर ऐसे ही लगा देंगे तो जैसे आप पहनते हैं या सलवार को खींचते हैं तो सिलाई आपकी टूट जाती है, तो थोड़ा सा खींच के सिलाई लगाएं, यहाँ पे वो रेप होता है, ठीक है। बाकी ये कपड़ा एक्स्ट्रा है जो इसको कट कर दे। तो ये सलवार हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसका सीधा करके पहुँचा, ये देखिए इस तरीके से बना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके सामने ये सलवार की कटिंग भी हो गई है, स्टिचिंग भी हो गई है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।